हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का मास्क बताने जा रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो 5 इंच है और लेंथ जो है इसकी वो 8 इंच है, इस तरह से। और जो इसकी स्ट्रिप है, इसकी जो लेंथ है वो डबल करके जो है वो 2.5 इंच है, इस तरह से। ये फोल्ड करके इस तरह से बन के आया हमारा मास्क जो है, इस तरह से। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से 15 फंदे चाहिए इसमें स्टार्टिंग में। तो एक साइड से हम 3 फंदे जो है वो रहने देंगे और साइड के जो है और फंदे उनको 12 फंदे पीछे कर लेंगे। इस तरह से जो 3 फंदे उनमें हम स्ट्रिप बनाएंगे एक, तो जैसे बॉर्डर के लिए इस तरह से हम फंदों को रैप करते हैं वैसे ही बनाएंगे। फिर हम बेट और हुक लगा लेते हैं और धागे को गैरेज में लगा लेते हैं और गैरेज को 8 नंबर पे सेट कर लेते हैं। अब एक सिलाई लगा ली, अब हम इसमें हुक लगा लेते हैं। अब इसमें मैं 50 रोज़ बनाऊंगी, 50 सिलाइयाँ लगाऊंगी, जिससे कि वो मेरा जो है 2.5 इंच जो है वो डबल करके स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। आप इस तरह से बनाने के बाद फिर वेट को हटा के नाप के देख सकते हैं कि वो 5 इंच तैयार होगी, तो वो फोल्ड करके 2.5 इंच हो सकती है। अब इस तरह से हम जो 12 फंदे और थे उनको आगे कर लेंगे और लास्ट दूसरी साइड इन 3 फंदों को इस तरह से लगा लेंगे और बाकी को भी इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से वेट लगा लेते हैं। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, इसको आगे इसीलिए किया ताकि मशीन अटके नहीं। इस तरह से ये हमने 4 सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलट के बना लेंगे, इस तरह से बॉर्डर बनाने के लिए हम इस तरह से इसको पूरी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद फिर 4 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब फिर से ऊपर की जो 2 सिलाइयाँ उनको इस तरह से पलट के बना लेंगे हम। फिर हम 2 साइड के जो 3 फंदे बीच में 9 फंदे छोड़ देंगे, दोनों साइड से 3 3 फंदे एक नीडल के गैप में आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ से नीचे वाली नीडल से इस तरह से फंदा उठाएंगे और फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब पहले लास्ट में हमने 3 नीडल जो है वो ट्रांसफ़र की थी, अब ये हम 4 नीडल जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से हम नीचे से एक फंदा जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। फिर इस तरह से इनको पलट के हम 3 साइड में 3 फंदे जो है वो बॉर्डर के बना देंगे, 4 हो जाएंगे। ये लास्ट वाले ऐसे ही छोड़ेंगे और 3 जो है वो पलट के बना लेंगे, इस तरह से। और फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, और यहाँ पे फिर से हम 5 फंदे जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। हर दूसरी सिलाई में जो है वो एक एक फंदा जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे पहले 3 थे, फिर 4, अब 5 हो गए, फिर 6 हो जाएंगे। और इस तरह से हम जो है फंदा बढ़ा लेंगे बीच में। इसमें हमें जाली नहीं डालनी है, बस ऐसे जो जिस नीडल से हम फंदा इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके साइड नीचे से हमें इस तरह से फंदा उठा लेना है, इस तरह से। और फिर से 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1, 2। अब फिर से हम इसी तरह से अब 6 फंदे जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। बीच में हमें ध्यान रखना है कि बीच में हमारे जो 9 फंदे छोड़े हैं वो 9 ही रहने चाहिए और साइड में जितने भी फंदे इंक्रीज होते रहेंगे उनको हम इस तरह से आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पे हम फंदा भी इंक्रीज कर लेंगे, इस तरह जो खाली निडल है उसमें इस तरह से लगा के। फिर हम इसी तरह से फंदों को बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब 7 फंदे हो गए हैं, 3 एंड 4, 7, और 7 ही इस साइड से भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, इस तरह से। और एक एक फंदा जो है वो इंक्रीज कर लेंगे।
वन और वन इस साइड से। फिर से दो सिलाइयाँ लगाएंगे और जो बॉर्डर है वो हर फोर सिलाई, जैसे हमारी फोर सिलाइयाँ हो गई हो उसके बाद हम तीन फंदे इस तरह से पलट के बना लेंगे। वन टू एंड थ्री। फिर हम दो सिलाइयाँ लगाएंगे, वन जैसे अगर कोई फंदा देख लेंगे, अगर नहीं बनाओ ढंग से तो उसको इस तरह से निकाल के बना सकते हैं। टू, इसी तरह से बनाते हुए मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये इतना बना लिया। अब हमारे साइड में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो 12 फंदे बचे हुए हैं जो हमने तीन से स्टार्ट किया था इस तरह से। तो दोनों साइड से हम 12 12 फंदे जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। 4 8 एंड 12। फिर यहाँ से हम फंदा जो है वो इस तरह से बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमारे 15 से हमारे जो है 41 फंदे हो गए हैं। सॉरी, 35 फंदे जो है वो हमारे हो गए हैं। अब हम फंदे इंक्रीज नहीं करेंगे, बस साइड से बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे और थोड़ा सा इसी तरह से बना लेंगे हम। इस तरह से दोनों साइड से हम बॉर्डर बना लेते हैं। इस तरह से अब फिर फोर सिलाइयाँ लगाएंगे हम, वन टू थ्री फोर। फिर से हम साइड में बॉर्डर बना लेते हैं, वन टू एंड थ्री। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, वन टू एंड थ्री। फिर से हम फोर सिलाइयाँ लगा लेंगे, वन टू थ्री फोर। अब हम इसी तरह से थोड़ा सा बना लेते हैं। इस तरह से मैंने ये बना लिया, लेंथ इसकी देख लेते हैं, 6 इंच हो गई है। अब हमें यहाँ पे फंदे घटाना स्टार्ट करने हैं। हमें फंदे वहीं पे घटाने जहाँ से हमने बढ़ाए थे, तो 9 फंदे छोड़ देंगे बीच में और दोनों साइड से एक एक फंदा जो है वो घटा लेंगे। और लास्ट के अब जो 12 फंदे बचे हुए हैं उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे दोनों साइड से। यहाँ जहाँ से हमने घटाना बंद किया था और जहाँ से अब हम बढ़ाना बंद किया था और जहाँ से घटा रहे हैं वहाँ पे सेम फंदे होने चाहिए इस तरह से। फोर फोर एंड फोर। इस तरह से ये 12 फंदे टोटल हो गए हैं। और फिर से हम दो सिलाइयाँ लगाएंगे, वन टू। और फिर से वहीं पे हम फंदा जो है वो घटा लेंगे ना, बीच के 9 फंदों को छोड़ के। इस तरह से एक, और ये दूसरी साइड से भी एक फंदा। और आगे के जो 11 फंदे उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे, फोर फोर एंड थ्री। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, थ्री फोर एंड फोर। फिर से टू सिलाइयाँ लगाएं, वन टू। अब इसी तरह से फंदों को घटाते हुए हम बना लेंगे इसके लेंथ, लास्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 15 फंदों तक कर लेते हैं। इस तरह से हमारे 15 फंदे हो गए हैं, 9 और 3 3 जो है वो लास्ट में, इनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारे 15 फंदे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर के लिए 15 फंदे डाले थे वो फंदे बन गए हैं। अब हम दो सिलाइयाँ लगाएंगे, वन टू। अब इनको पलट लेंगे हम इस तरह से, दो जो सिलाइयाँ लगाई है उसमें इस तरह से। और यहाँ पे जो दो फंदों का एक किया था उसको भी हम इसी तरह से ले लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ ले लेंगे और फिर इस तरह से।
दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे ये दो फंदे जो घटाए थे वो निकल गए हैं, तो इसको एक साथ करके इस तरह से फिर हम ले लेंगे। इन दोनों को एक साथ ही लेना है इस तरह से। ये हमने सारे फंदे जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे हम बॉर्डर के लिए। और फिर से हम फोर सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2, और इसी तरह से बना लेंगे हम 3 4। और फिर से हम इसको इसी तरह से पलट के बना लेंगे जैसे अभी हमने पलट के बनाया। इस तरह से अब हम दो सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब इस तरह से ये हमारा जो है बन के तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ स्ट्रिप बनानी है इसकी। इस तरह से ये साइड के जो फंदे हैं पीछे कर लेंगे, और जो गैरेज के हुक है उनको भी हम पीछे कर लेंगे। जो आगे वाले फंदे हैं ना बने, जो पीछे किए हुए 3 फंदे वही बनेंगे। तो इस तरह से जैसे हमने जितनी बड़े स्ट्रिप जो स्टार्टिंग में बनाई थी उसी तरह उतनी ही हम इसको भी बना लेंगे, 5 इंच। इस तरह से ये बना लिया। तो ये जो 3 फंदे इनको हम दूसरी साइड्स के जो 3 फंदे इनको हम पीछे कर लेते हैं, और इन 3 फंदों को हम वहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसमें लगा लेंगे इस तरह से। अब इन फंदों को हम घटा लेंगे इस तरह से, बंद कर लेंगे। अब इसको हम पीछे की साइड से लेके आएंगे इस फंदे को, और इसमें लगा लेंगे इस तरह से। अब स्ट्रिप को हम नीचे कर लेते हैं, और इस तरह से सारे फंदे जितने भी हैं इनको हम बंद कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने जो है वो बना लिया। अब जो स्ट्रिप के जो 3 फंदे थे उनमें भी हम इस तरह से ही ले लेंगे फंदे को, और इसको बना के इस तरह से। और अब यहाँ से लास्ट से भी इस तरह से, ताकि हमारा जो मास्क है वो दोनों साइड से एक जैसा ही बने इस तरह से। अब इसको हम धागा जो है वो एक्स्ट्रा धागा जो है उसको हम काट लेंगे, और इस तरह से ये हमारा मास्क जो है वो बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।